अक्सर हमारे मन में ये सवाल आता है कि यदि हमें ये जीवन मिला है तो मनुष्य जीवन क्यों मिला, ऐसे क्या विशेषता रही कि हमें मनुष्य जीवन मिला, और यदि मनुष्य जीवन मिला है तो उसका उद्देश्य क्या है। चलिए आज आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे जो आपको ये बताएगी कि यदि आपको मनुष्य जन्म मिला है तो उसके पीछे का रहस्य क्या है। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को मनुष्य जन्म के बारे में समझा रहे थे। वह कह रहे थे कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज मनुष्य जन्म है, जिसे परमात्मा ने हमें किसी खास मकसद के लिए दिया है, लेकिन हम लोग इस अनमोल जीवन को कौड़ियों के दाम नष्ट कर रहे हैं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी बात को सही से समझाने के लिए एक कहानी सुनाता हूँ। एक दिन एक राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। राजा शिकार करते करते इतना मगन हो गया कि वो रास्ता भूल जाता है। राजा बहुत देर तक रास्ता तलाश करता है, लेकिन उसे सही रास्ता नजर नहीं आता। गर्मी का मौसम होने की वजह से राजा बहुत ज्यादा थक जाता है और भूख और प्यास की वजह से उसका बुरा हाल हो जाता है। राजा इधर उधर देखता है तो उसकी नजर एक लकड़हारे पर पड़ती है जो लकड़ियाँ काट रहा था। राजा लकड़हारे के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे बहुत भूख प्यास लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो। लकड़हारा कहता है, हाँ मेरे पास खाने के लिए है, आप यहाँ बैठो, यहाँ पास में एक नदी बहती है, मैं वहाँ से आपके लिए पीने के लिए पानी लाता हूँ। राजा वहाँ बैठ जाता है। लकड़हारा अपनी पोटली में से दो रोटियां और कुछ सब्जी निकालकर राजा को दे देता है और खुद पानी लेने चला जाता है। लकड़हारे ने पानी लाकर राजा को दिया। अब राजा की भूख प्यास और थकावट मिट चुकी थी। वह शांत होकर बोला, मैं यहाँ पास के राज्य का राजा हूँ, यहाँ जंगल में शिकार खेलने के लिए आया था, लेकिन रास्ता भूल गया, क्या तुम मुझे सही रास्ता बता सकते हो। लकड़हारा राजा को सही रास्ता बता देता है तो राजा उसको कहता है कि तुमने मेरी बुरे वक्त में मदद की है, अगर कभी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मेरे पास चले आना, और यह बात कहकर राजा वापस चला जाता है। कुछ वक्त ऐसे ही गुजर जाता है। धीरे धीरे जंगल के सभी पेड़ समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि लकड़हारा जंगल में से पेड़ काटकर उनको जलाकर कोयले बनाकर बाजार में बेचता था। अब लकड़हारा बहुत परेशान रहने लगा। अब उसको ये परेशानी खाई जा रही थी कि मैं अपने जीवन का निर्वाह कैसे करूंगा। तभी उसको राजा की बात याद आई। राजा ने कहा था, जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मेरे पास चले आना। यह बात सोचकर लकड़हारा राजमहल की तरफ चल पड़ा और राजमहल के द्वार पर पहुंचकर सैनिकों को अपने बारे में बताया। सैनिकों ने उसके बारे में जाकर राजा को बताया। राजा को एकदम से उस लकड़हारे के बारे में याद आ गया और उसने तुरंत लकड़हारे को अपने पास बुला लिया। सैनिक बड़े आदर के साथ लकड़हारे को राजा के पास ले आए। राजा ने लकड़हारे को देखकर यह महसूस किया कि वो बहुत परेशान था। राजा ने उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा तो लकड़हारा रोने लगा। रोता हुआ राजा के पैरों में गिर पड़ा और कहता है कि जिस जंगल से मैं लकड़ियां काट रहा था, अपना गुजारा करता था, वो जंगल अब खत्म हो गया है, अब मेरे पास अपने परिवार को पालने का कोई रास्ता नहीं है। लकड़हारे ने राजा को कहा कि आपके राज्य में बहुत सारे जंगल हैं, अगर आप मुझे उनमें से कोई जंगल दे दो तो मेरी परेशानी का हल हो सकता है। अब राजा ने लकड़हारे को वचन दिया कि तुम्हारी परेशानी का हल हो जाएगा, और उसके जाने के बाद राजा ने अपने मंत्रियों के साथ विचार किया और यह फैसला किया कि दक्षिण की दिशा में राजा का एक चंदन के पेड़ों का जंगल है, वो उसको दे दिया जाए। राजा ने चंदन के पेड़ों का वह जंगल लकड़हारे के नाम कर दिया और सैनिकों के द्वारा उसको यह खबर पहुंचा दी कि आज से यह जंगल तुम्हारा है। अब राजा एक दिन अपने महल में बैठा हुआ था, एकदम से उसे लकड़हारे की याद आई। राजा सोचने लगा, अब तो लकड़हारा बहुत अमीर हो गया होगा, उसने अपने बड़े बड़े महल बना लिए होंगे, और ये सोचकर राजा उसको देखने के लिए चल दिया। राजा जब जंगल में पहुंचा तो ये देखकर हैरान हो जाता है।
कि वहाँ कोई भी चंदन का पेड़ नहीं है। राजा अपने सैनिकों से पूछता है कि कहीं तुम मुझे गलत जगह तो नहीं ले आए, लेकिन सैनिक कहते हैं, नहीं महाराज, ये वही जगह है जहाँ चंदन के पेड़ थे। राजा और सैनिक उस लकड़हारे को ढूंढने लगते हैं और थोड़ा आगे कुछ चंदन की लकड़ियों के बीच में लकड़हारा बैठा नजर आता है, जो बहुत ही निराश और परेशान लग रहा था। राजा उसके पास जाकर पूछता है कि तुम इतने परेशान क्यों हो। लकड़हारा राजा को देखकर खड़ा हो जाता और उनको प्रणाम करता है और कहता है कि आपकी कृपा से इतने साल गुजर गए, लेकिन अब ये थोड़ी सी लकड़ियां ही बची हैं जो कुछ दिनों में समाप्त हो जाएंगी और मैं ये सोच के परेशान हो रहा हूँ कि इसके बाद क्या करूँगा। राजा ने उसको कहा, पेड़ तो सारे खत्म हो चुके हैं, सिर्फ ये चंदन की थोड़ी सी लकड़ियां हैं, और बाकी पेड़ों का तुमने क्या किया। लकड़हारे ने कहा, मैं रोज पेड़ काटता हूँ, उनका कोयला बनाकर बाजार में बेच आता हूँ। लकड़हारे की बात सुनकर राजा ने कहा, ओ मूर्ख, ये तुमने क्या किया, ये कीमती चंदन की लकड़ी और तुमने इसको जलाकर कोयला बना दिया है। लकड़हारा राजा की बात सुनकर कहता है, ये चंदन क्या है। राजा ने कहा, काश तुम इसके बारे में जानते होते। अब तुम एक काम करो, थोड़ी सी चंदन की लकड़ी जो तुम्हारे पास है उसे बाजार में बेचाओ, और एक बात ध्यान रखना, अब तुमसे इसका कभी कोयला नहीं बनाना है, तभी तुम्हें इसकी कीमत का पता चलेगा। लकड़हारा राजा की बात मानकर चंदन की थोड़ी सी लकड़ी लेकर बाजार में बेचने चला जाता है। दुकानदार देखते हैं कि चंदन की लकड़ी एकदम असली है, लेकिन लकड़हारा चेहरे से गवार लग रहा था। वो लकड़हारे से पूछता है, क्या कीमत लोगे इसकी। लकड़हारा दुकानदार से पूछता है कि तुम क्या कीमत दोगे इसकी। दुकानदार कहता है, 1 रुपया। लकड़हारा बौखलाकर बोलता है कि 1 रुपया। दुकानदार की समझ में आ जाता है कि लकड़हारा इसकी कीमत जानता है। वो बोलता है, अच्छा 2 रुपए ले लो। लकड़हारे ने फिर पूछा, 2 रुपए। अब दुकानदार घबरा जाता और कहता है, अच्छा 4 रुपए ले लो। थोड़ी दूर पे खड़ा एक आदमी सब देख रहा था, उसने लकड़हारे को अपने पास बुला और कहा, ये दुकानदार तुम्हारी लकड़ियों को कौड़ियों के दाम खरीद रहा है, तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें इसके 10 रुपए दूंगा। जब लकड़हारे ने उस आदमी की बात सुनी तो वो सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गया और रोते हुए कहने लगा, अब मुझे पता चला, मैंने अनमोल लकड़ियों को कोयला बनाकर सारा जंगल खाली कर दिया, वो कितनी अनमोल थी, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, अपने हाथों से ही अपनी किस्मत का सत्यानाश कर लिया। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि तुम्हें उस लकड़हारे पर दया आ रही होगी, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि हम क्या कर रहे हैं। हम भी तो उसी लकड़हारे की तरह हैं। परमात्मा ने हमें ये चंदन जैसा मनुष्य जीवन दिया, लेकिन हम अपनी वासनाओं में, काम में, क्रोध में, लालच में, मोह माया की अग्नि में जलाकर इसको नष्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अनमोल है। हमने अपना मनुष्य जन्म अहंकार की अग्नि में जलाकर कोयला बना लिया, लेकिन जो होना था वो हो चुका है, अब तो बदला नहीं जा सकता। अब जो थोड़े से चंदन के पेड़ बचे हैं, मतलब जो थोड़ी सी जिंदगी बची है, बस उसको ही सही दिशा में लेकर जाओ और परमात्मा की भक्ति में अपने बचे हुए जीवन को सफल करो। तो दोस्तों याद रखिए, ये मनुष्य जन्म हमें बहुत ही मुश्किलों से मिलता है, लेकिन हम अपने जन्म को कौड़ियों के भाव गमा देते हैं, लेकिन अब हमें अपने बचे हुए जीवन को सही रास्ता देने का प्रयास करना चाहिए और परमात्मा की भक्ति में लगा देना चाहिए, ताकि हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सके और यही हमारे जन्म मरण के चक्कर से हमें छुटकारा दिलवा सकता है और हमारे मनुष्य जीवन प्राप्त करने का वास्तव में यही उद्देश्य है कि हम जीवन को सिर्फ पैसों के लिए, रुपयों के लिए, सुख के लिए ना जिए, बल्कि कुछ विशेष करें जो कि हमारे परमात्मा को प्रिय है, इस समाज को कुछ दे के जाएं जो इस समाज में कहीं काम आ सके, और ईश्वर ने जिस चीज के लिए, जिस माध्यम के रूप में हमें बनाकर भेजा है, हम उस कार्य को सही ढंग से करें, बस यही मानव जीवन का पहला और आखिरी उद्देश्य है।